हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं MG एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्लू एंड गोल्डन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट रखना एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी फोटो इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा नहीं, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +5 एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? तो वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेड कलर के लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, रेड कलर के लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20 एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे, ठीक है? तो इसे रखते हैं -42 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +21 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है? तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +81 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -21 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस करेंगे, ठीक है? तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -50 एंड नेक्स्ट जाते हैं शियान कलर पे एंड शियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है? तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +72 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -60 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है? तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +95 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो इसे रखते हैं +13 एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे एंड पर्पल कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, ठीक है? तो इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -43 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है? तो क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से कर देंगे हम -4 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, डीएच की वैल्यू को यहाँ से हम कर देंगे +16 एंड यहाँ से विनियर की वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है? तो विनियर की वैल्यू को ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसे रखते हैं -25 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करते हैं यानी डिक्रीज करेंगे, ठीक है? तो इसे रखते हैं 45 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +76। अब हम हमारी फोटो को हम स्मूथ करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसे रखते हैं +9 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे। तो इसे रखते हैं 32 एंड यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे, ठीक है? तो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है।
तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव्ड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।